सर समाचार, ये जो डेली डिजिटल वीडियो न्यूज़ चैनल है, ये 9 फरवरी 2021 को शुरू हुआ था और चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में या चंद्रपुर सिटी में जितने भी क्रीड़ा और सोशल और बाकी की जितनी भी एक्टिविटी होती है उसमें काफ़ी उनका योगदान रहा है और उन्होंने हर चीज़ को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। और अभी 1 साल के उपलक्ष्य में जो चंद्रपुर गौरव और चंद्रपुर रत्न पुरस्कार वो जो दे रहे हैं, मैं उसके लिए उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उनको हमारी महाविद्यालय की ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे मित्र राजेश नायडू, इनका पाथो सा समाचार जो शुरू किया था, इसको इस 9 फरवरी को 1 वर्ष पूरा हो रहा है। काफ़ी अच्छा इनका 1 वर्ष गया हुआ है और आगे भी इनका जो काम है वो बहुत अच्छी तरह से चले, इसी शुभकामनाएं मैं देता हूँ। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाला साहब थोरात ने कहा कि मोदी सरकार की नीति 70 साल में बनी हर चीज को बेचने की है और ये निराशाजनक बजट जो सभी वर्गों को निराश करता है। मोदी सरकार ने अपने सामान्य तरीके से इस बजट में से बड़े बड़े आंकड़े फेंक कर एक भव्य सपना दिखाया है। आम आदमी को गुलाबी सपनों के अलावा कुछ नहीं मिला। ये बजट चुनाव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कांग्रेस नेता और राज्य के राजस्व मंत्री बाला साहब थोरात ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर डिजिटल सपना दिखाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है और उनके द्वारा पेश किया गया बजट एक दिशाहीन और अर्थहीन संकल्प है जो सभी वर्गों के लिए निराशाजनक है। केंद्रीय बजट पर बोलते हुए थोरात ने कहा कि केंद्र सरकार के पास राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों को बेचने, कर बढ़ाने और धन की कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। ये बजट जो पिछले 7 वर्षों से लागू है और भविष्य में भी ऐसे ही चलता रहेगा। 100 स्मार्ट सिटी MP आदर्श ग्राम योजना की क्या स्थिति है, इस पर सरकार खामोश है। सरकार मुद्रा ऋण स्टार्टअप योजनाओं के बारे में पहले की घोषणाओं के बारे में बात नहीं कर रही। वित्त मंत्री ने बजट में कोविड के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा जिसमें कोविड में जान गंवाने वालों के परिवारों को 2 लाख रुपए तक मुहैया कराने की उम्मीद थी। एक ओर जहां बेरोजगारी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, वहीं दूसरी ओर रोजगार सृजन का सपना दिखाया जा रहा है। इसमें युवाओं को रोजगार देने के लिए बिना किसी ठोस रोडमैप के 60 लाख नौकरियों की घोषणा की है। किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, छोटे व्यापारी, बेरोजगार युवा, छात्र, महिला, दलित, अल्पसंख्यकों को इस बजट में कुछ नहीं मिला। इस बजट से उद्योगपति मित्रों को छोड़कर समाज के सभी वर्गों में भारी निराशा पैदा की है। केंद्र सरकारचा, भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारचा केंद्रीय अर्थसंकल्प पुन्हा एकदा आज जाहीर केला गेला। एकंदर त्याचं स्वरूप पाहिलं तर फक्त आकड्यांचे फुलोरे फुलवण्याचं काम आणि भव्य दिव्य स्वप्न दाखवण्याचं काम त्यांनी केलेलं आपल्याला स्पष्टपणे दिसतंय। गुलाबी स्वप्न निर्माण करायचे आणि वस्तुस्थितीमध्ये मात्र काही नाही हे अनुभव आपण 7 वर्ष घेतो आहोत। मागील वर्षाचा अर्थसंकल्प जरी आपण आठवला आणि त्यावेळेस त्यांनी दिलेली आकडेवारी आणि दाखवलेले स्वप्न, दाखवलेला विकास दर हा मुद्दाम तपासून पहा, वर्षभराच्या कारभारामध्ये आपला भ्रम निराश झालेला दिसल्याशिवाय राहणार नाही। सरकारी कंपन्या विकणे, टॅक्स आणि इंधनाचे दर वाढवणे यापेक्षा वेगळं धोरण त्यांचं कधी राहिलेलं नाही। सर्वसामान्याच्या खिशातून पैसे काढून घेण्याचं कार्यक्रम 7 वर्ष चाललेला आहे। सर्वसामान्यकरता काहीही करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केलेला नाही, तशी इच्छासुद्धा त्यांची नाही। 100 स्मार्ट सिटी, संसद आदर्श ग्राम योजना कुठं कुठं, त्याबाबतीत तर काही बोलायलासुद्धा तयार नाही। आता कोविडच्या काळामध्ये संपूर्णपणे देश खूप कठीण काळातून गेला, विशेषतः गरीब माणूस कठीण परिस्थितीतून गेला, छोटे छोटे उद्योगधंद्यावाले कठीण परिस्थितीतून गेले। यावेळेस काहीतरी त्यांना आधार देणारं आणि प्रत्येकाला 2 लाखपर्यंत मदत करणारं, प्रत्येक जो मृत झाला असेल त्याला 2 लाखपर्यंत मदत करणारा अशा प्रकारच्या निर्णयाची अपेक्षा होती, कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा या बाबतीतली दखल घेतलेली आहे। बेरोजगारी वाढत असताना आपल्या सर्वांना दिसते आहे, परंतु त्या बाबतीत सुद्धा कोणताही विचार, युवकांकरता कोणताही विचार या अर्थसंकल्पामध्ये नाही, ही वस्तुस्थिती आहे। एकंदर केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प हा वर्षाची दिशा ठरवतो, यांच्या वर्षाची दिशा जी आहे ती भ्रमनिराश करणारी आहे। मागील 7 वर्षाप्रमाणे यावर्षी सुद्धा आपल्या शब्दाचे फक्त फुलोरे त्यांनी फुलवलेले आहे, वस्तुस्थितीमध्ये मात्र हे वर्ष सुद्धा आपल्या सर्वांकरता
निराश करणारं ठरणार आहे असं मला वाटून जात आहे। आणि म्हणून हा अर्थसंकल्प अत्यंत निव्वळ अर्थसंकल्प आहे, बाकी मात्र तो अर्थहीन आहे। आने वाले 9 फरवरी को पार्थशर समाचार, जो कि केवल चंद्रपुर नहीं पूर्वे विदर्भ में अपनी एक अलग पहचान पत्रकारिता के क्षेत्र में कर रहा है, उसको शुभकामना देता हूँ। गत साल मैंने ही इस पार्थशर समाचार के उद्घाटन सब किया था। एक साल में ये केवल चंद्रपुर में न रहते हुए नागपुर में भी इसका विस्तार हुआ है। नागपुर में इस समाचार का कार्यालय भी बना हुआ है, जो हमारे चंद्रपुर वासियों के लिए बड़ी गौरव की बात है। निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ये युग है और उसमें पल पल होने वाली खबरें पार्थशर समाचार के माध्यम से जनता तक पहुंचती है। और मैं विशेष रूप से पार्थशर समाचार का अभिनंदन करूँगा कि उन्होंने निष्पक्ष होकर जो सच्चाई है वो सच्चाई हर विषय की चंद्रपुर की जनता और विदर्भ की जनता के सामने ला। हमारे मित्र राजेश नायडू साहब ने पार्थशर समाचार चालू किया है, उसको अभी एक वर्ष 9 तारीख को होने वाला है और वो ऐसा अच्छे समाचार और अच्छे कार्य हमेशा करते रहे, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षण कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 18 दिसंबर 2021 से शुरू हो गई है और महाराष्ट्र के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के सभी काम ठप हो गए हैं और छात्रों और अभिभावकों को बेवजह परेशानी हो रही है। कर्मचारियों की प्रमुख मांगे, 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को वृद्धावस्था पेंशन दी जाए, सेवा के तहत पदोन्नति प्रगति योजना को फिर से शुरू किया जाए, शिक्षण कर्मचारियों के रिक्त पदों को तुरंत भरा जाए, कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आय 60 वर्ष हो, 5 दिन का सप्ताह लागू किया जाए, 7वें वेतन आयोग के बकाया का भुगतान तत्काल किया जाए, ऐसी 13 अन्य मांगों को लेकर यह हड़ताल जारी है। आज नेशनल फेडरेशन ऑफ ओबीसी ने बिना शर्त हड़ताल और कर्मचारियों ने के न्याय की मांग का समर्थन किया। मीना गोहेकर, शीतल पाटिल, शारदा नवघरे और अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में नेशनल फेडरेशन ऑफ ओबीसी द्वारा समर्थन करते हुए एक पत्र सौंपा गया था। संपर्क कर्मचारी दिनेश अदबले, सचिन सुरवड़े, गजानन काले, राकेश कन्ना के, राहुल देशमुख गारे, राजू जुमड़े, योगिता रायपुरे, करुणा मानकर, संगीता सहरे, विप्र पाटिल, वैशाली आवाले, अविनाश घाटे, प्रशांत रंदाई ढाडे, प्रवीण वासेकर, जयेश बेले, अरुण चिलकोठी, संजय दखरे आदि उपस्थित थे। चंद्रपुर की और आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगाने अब आ गया है केसा। केसा यूनिसेक्स सैलून, आपका पर्सनल स्टाइलिस्ट। लेडीज, जेंट्स और बच्चों के लिए सर्वोत्कृष्ट मेडिकल और हर्बल स्किन और हेयर ट्रीटमेंट, वो भी एकदम किफायती दाम में। खूबसूरत इंटीरियर और एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। केसा यूनिसेक्स सैलून, झांझरी कॉम्प्लेक्स, होटल रसराज के सामने, सपना टॉकेज रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 8799902323।